दिव्यांग के घर में पैसा भेजा है और वो कोविड के समय में उसका जीवन यापन के लिए सहारा बना हुआ है। तो सरकार का ये जो संवेदनशील चेहरा है, नरेंद्र मोदी जी का चाहे नीतीश कुमार जी का, उसने कोविड से ग्रसित और कोविड से पीड़ित जनता को एक संवेदनशील राज्य, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, संवेदनशील सरकार कैसी होती है इसका परिचय कराया। मैंने ये भी सुना है कि आपके इंटरनल सर्वेस कह रहे हैं कि वहाँ आज भी मोदी जी की एक बहुत बड़ी लहर है। एंटी इनकम्बेंसी जरूर होगा, वो हो जाता है, स्वाभाविक है इतने सालों के बाद, मगर मोदी जी की एक लहर है, वेव है, और हो सकता है आपकी सीट आपके पार्टनर से ज़्यादा, नीतीश जी से ज़्यादा सीटें आप लोग लेके आए। भैया, मोदी जी की लहर सिर्फ बिहार में नहीं है जी, देश भर में है, बिहार में भी है, और स्वाभाविक रूप से उसका फायदा सिर्फ हमें नहीं होता है, जदयू को भी होगा, क्योंकि जदयू हमारा साथी है, हम साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। तो मोदी जी की लहर से सिर्फ बीजेपी की सीटें बढ़ेगी ऐसा नहीं होगा, जदयू की इतनी ही सीटें बढ़ेगी जितनी बीजेपी की बढ़ेगी, हम लगभग लगभग बराबर सीटें लड़ रहे हैं, एक सीट जदयू हमसे ज़्यादा लड़ रहा है, बराबर बराबर सीटें लड़ रहे हैं। और मैं अभी भी कहता हूं कि आप कितना भी जवाब ढूंढने का प्रयास करिए, बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लोग ये भी कहते हैं कि जब अमित शाह जी चुनाव का नेतृत्व करते हैं तो वो मैदान में सिर्फ ए टीम लेकर नहीं बल्कि अपने साथ एक बी टीम लेकर भी उतरते हैं। तो काफ़ी लोग चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, वाईसी जी लड़ रहे हैं, वो उन्होंने काफ़ी कैंडिडेट उतारे हैं, उसमें मुस्लिम वोट्स कटेंगे तो उसका फ़ायदा आपके गठबंधन को होगा। देखिए, इस प्रकार से किसी भी राजनीतिक दल को बी टीम सी टीम कहना ठीक नहीं मानता मैं। सबका चुनाव में लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र है, 1700 पार्टियाँ हैं, सिर्फ ओवैसी क्यों, बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। जी, 500 कॉन्टेस्ट है। अब अपने कुशवाहा जी भी लड़ रहे हैं जी जी, और माले पप्पू यादव का एक मोर्चा लड़ रहे हैं, SDPI लड़ रही है, ढेर सारे लोग, अपने यशवंत सिन्हा जी भी लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। अब चुनाव है, किसको ना कीजिएगा जी जी, जो लड़ेगा लड़ेगा, मगर जनता का मूड मैं स्पष्ट मानता हूँ। मैंने 10 दिनों में ढेर सारे कार्यकर्ताओं को मंडल स्तर पर बात करी है टेलीफोन पर, बहुत स्पष्ट रुख है, जो सर्वे आ रहे हैं अभी ये भी बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर देने वाले सर्वे आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार बनने जा रही है। एक फैक्टर इस चुनाव में और आया है पिछले कुछ महीनों में, वो है सुशांत सिंह राजपूत फैक्टर। कहा जा रहा है कि ये एक सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है ये एक महाराष्ट्र वर्सेज बिहार एक लड़ाई में बदल गया है और बिहार चुनाव में एक अहम मुद्दा है, क्या आप इस बात को मानते हैं? देखिए, मुझे मालूम नहीं है जमीन में एक केस कितना चिनावी मुद्दा बना है, मगर बना भी है तो इसका कारण हम नहीं है। अगर पहले से CBI को दे दे तो चुनावी मुद्दा ही न बनता, शंकाएं तो पहले दिन से खड़ी हो गई थी, क्यों पकड़ कर रखना, दे देना चाहिए था। अब ये ऑर्डर भी हमने नहीं करा, उच्चतम न्यायालय ने किया है, उच्चतम न्यायालय ने जब CBI को कहा कि आप जांच करिए तो हमें कर रहे हैं। मगर मैं इतना मानता हूं कि सुशांत सिंह जी की जगह कोई भी व्यक्ति हो, अगर अपमृत्यु होती है तो इसकी जांच ढंग से होनी चाहिए, न्यायिक होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए। जल्दी में आपको लगता है कि केस को क्लोज कर दिया था मुंबई पुलिस ने? मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता क्योंकि CBI जांच कर रही है और अभी कोर्ट के सामने मामला है, परंतु परसेप्शन जो बना था उस वक्त वो ठीक नहीं बना था। तो ये तो रही बिहार की बातें, थोड़ा सा मुड़ते हैं देश के और गंभीर मुद्दों की ओर। सबसे गंभीर मुद्दा पिछले महीनों में जो रहा है वो रहा है चाइना का मुद्दा। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या चाइना ने, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं पर मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या चाइना हमारी सीमाओं में घुस आया है? क्या आपको कुछ उम्मीद है कि इस समस्या का समाधान निकलेगा? मिलिट्री लेवल टॉक्स काफ़ी दिनों से चल रही हैं, डिप्लोमेटिक दरवाजे भी खुले हुए हैं, क्या इसका समाधान आपको दिखाई पड़ रहा है? देखिए, दोनों सेनाओं के बीच में भी बात हो रही है और दोनों देश के डिप्लोमेट भी बात कर रहे हैं। उस वक्त सरकार के गृहमंत्री नाते मुझे कुछ कहना उचित नहीं लगता, मगर मैं नरेंद्र मोदी जी की बात को दोहराता हूँ कि हम अपनी एक एक इंच जमीन के लिए जागरूक हैं और इसको कोई छीन नहीं सकता।
तो अंदर किसी के आने का कोई सवाल नहीं है, आप ये कह रहे हैं? मैं फिर से एक बार मेरी बात को दोहराता हूँ, हम